मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी मैं हूँ लखनऊ में और पिछले दो दिनों से लखनऊ में हूँ और अभी बजे हैं सुबह के 5 और ये वापसी दिल्ली की है। ट्रेन है जी, ट्रेन है मेरी 6 बजे की। तो मैंने कहा जी चलिए चलते हैं, जाना तो है ही है, लखनऊ छोड़ने को दिल तो नहीं कर रहा। लखनऊ का खाना पीना, लखनऊ का रहन सहन, लखनऊ के लोग बहुत ही प्यारे हैं जी, बहुत ही अच्छी जगह जी लखनऊ, आप ज़रूर आना जी। खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती फुल है जी यहाँ पे। तो जी दो दिन रहा मैं इधर, शादी अटेंड की, सबसे मिला। पहली बार मैंने लखनऊ की शादी अटेंड की थी, पूरी वीडियो बनाई है और भी बहुत जगह गया हूँ। तो पहले जी आप जाके पिछले ब्लॉग देखो, फिर ये वाला ब्लॉग देखना जी, ठीक है जी। तो अब घर से फ़ोन आए जा रहे हैं दो दिन से लगातार, दिन में कम से कम 10-12 फ़ोन तो आ ही जाते हैं। पापा कब आओगे, दिखाओ ये दिखाओ वो दिखाओ। तो जी बच्चों को मेरी बहुत याद आ रही है और मुझे भी आ रही है जी, नेचुरल सी बात है, आखिर जाना तो घर ही होता है। तो चलिए जी फ्रेंड्स, मैंने ओला बुक कर दी थी, मेरी ओला आ गई हुई है बाहर, भैया वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं जी वापस घर दिल्ली। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेन है जी ये, देखिए कुछ इस तरीके से है। और जी 44 ढूंढना है जी हमें। चॉकलेट्स और जेली वगैरह लेके आना, तो आते टाइम मैं ट्रेन से आया हूँ तो कहीं चॉकलेट और जेली मुझे दिखी नहीं, तो चॉकलेट और जेली ले नहीं पाया। तो रास्ते में कहीं ले लूँगा, पास की शॉप से बोल दूँगा जी लखनऊ से लाया हूँ। तो चलिए जी अब बच्चों से मिलना है, जैसे जैसे घर नज़दीक आता जा रहा है बच्चों की याद बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स नवाबों की नगरी लखनऊ से पहुँच गया हूँ दिल्ली वालों की नगरी दिल्ली में। अब जी यहाँ से मैं एयरपोर्ट वाली मेट्रो लूँगा और पहुँच जाऊँगा जी अपने घर। और रिद्धि सिद्धि के लिए भी कुछ ना कुछ लेना ज़रूर है, नहीं तो वो मुझे घर में घुसने नहीं देंगी। तो चलिए जी पहले चलते हैं एयरपोर्ट वाली मेट्रो के पास। हाँ यहीं आगे से रास्ता है। क्या बनाया है? माय गॉड, स्माइली, ये तो मुझे पापा का पूरा फेस लग रहा है। ये है पापा की आईज और ये पापा की प्यारी सी स्माइल। ये देखो प्यारी बेटियों ने पापा के लिए सरप्राइज तैयार किया है। हमारे रिद्धि सिद्धि की हमेशा से आदत रही है, जैसे पापा कहीं जाते हैं, मतलब एक दो दिन के लिए जाते हैं, तो जब पापा घर आते हैं तो ये उनके लिए कुछ ना कुछ डेकोरेट करती हैं खाने की चीज़। और मतलब इतनी छोटी सी है, इनको अभी से इतनी मतलब नॉलेज है, इतनी मतलब इनके अंदर मैनर्स हैं कि कोई बाहर से आता है तो उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देना चाहिए। तो ये हमेशा से अपने पापा के लिए प्लेट सजाती हैं। अभी लास्ट टाइम इसके पापा आए थे, पता नहीं जयपुर से आए थे पर मेरे को इतना याद नहीं है, तो इन्होंने अपने पापा के लिए एक प्लेट के अंदर नमकीन बिस्किट चिप्स वगैरह पूरी डेकोरेट करके रखी हुई थी। और पापा आए थे तो इन्होंने सर्व की थी पापा के सामने। तो इसी तरीके से इन्होंने इसको भी डेकोरेट किया है चौकोस और चेरी से। सब चंद कदमों की दूरी पर ही बस घर है और अब मैं रिद्धि सिद्धि के लिए कुछ ले लेता हूँ, नहीं तो वो मुझे घुसने नहीं देंगी, उल्टे पैर भगा देंगी वो। तो जी कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाना है जी, उनको यही बोलूँगा कि मैं लेके आऊँ जी लखनऊ से। तो जी यहीं से कुछ ना कुछ ले लेते हैं, मेट्रो स्टेशन के नीचे ये शॉप बनी है, बच्चों का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा जी, चॉकलेट्स वगैरह, वो बच्चों को क्या खाना होता है। चलिए जी रिद्धि से देख ही लेता हूँ कुछ ना कुछ। तो गाइस आ गया है स्वामी जी का फ़ोन और वो कह रहे हैं कि मैं आ गया हूँ बाहर, तो बच्चों को लेके आ जाओ। और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि बस वो रुक ही नहीं पाए, पापा कह रहे थे बाहर घर के बाहर खड़े होना, ये जो मुझे लेके नीचे आ गई है। अंजी एक्साइटेड हो? यस। रिद्धि तो लग रही है एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड। गाइस बच्चों को क्या चाहिए, पापा तो मिलेंगे मिलेंगे। और जो इन्होंने बोरी भर की जो चीज मंगवाई है अपने पापा से,
उसकी तो भाई क्या बात है, देखते हैं क्या क्या लेके आने वाले हैं स्वामी जी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को तो देखो लालच रहता ही है कि कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाए अच्छी अच्छी। और जी उधर पीछे से आएंगे मेरे स्वामी जी और मुझे पता है दूर से ही हाथ लाएंगे हेलो। तो जी बस एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से कट रहा है और जी अब मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ अपने स्वामी जी की झलक। तो गाइस मेरे को अपनी रिद्धि सिद्धि को देखकर हंसी भी आ रही है और प्यार भी बहुत आ रहा है, कितना ज्यादा इंतजार कर रही है अपने पापा का। तो बेचारी कितनी बारी काउंटिंग कर चुकी है, 10, 9, 8, 5 पे पहुंच गए। देखते हैं पापा जी 1 तक होने पे दिखाई देते या नहीं दिखाई देते, और पापा फाइनली दिखाई दे गए हैं 10 काउंटिंग कंप्लीट होने से पहले। और जो गाइज आपको दिख रहे होंगे ये देखो रिद्धि सिद्धि तो रुक नहीं पा रही है अपने पापा जी को देख के, और मैं भी आपको दिखाती हूँ ये देखिए मैं भी भागती हूँ ये देखिए। हाँ जी कितनी बारी बेचारी काउंटिंग कर चुकी हैं, ये देखो पापा से मिलने के बाद जो इनका मकसद था वो हुआ पूरा, है ना, मकसद हुआ पूरा। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल है जी हमारी, नमस्ते हमारी सब्सक्राइबर फैमिली को नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। और ये है लखनऊ की मिठाई बेईमान लड्डू, बेईमान लड्डू। इस कहानी से मुझे एक सीख मिली जो दो दिन मैं बाहर रह के आऊँ कि जी अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अच्छा तो चले जी हम, चलो जी चलो, ये देखो बच्चों को देखो बेटे, चलो घर चलो, पापा को थैंक यू बोलो, दूर से लाओ, चलो जी चलो मम्मी डैडी जी से। मिठाई एक बारी हलवाई का नाम तो बता दो, बेईमान लड्डू। आप तो ईमानदार हो, लड्डू कहाँ से लिया है बेईमान? मैं ईमानदार काम में बेईमानी वाले करता हूँ। अच्छा ये देखो रिद्धि सिद्धि पानी देने लगी है पापा को, रिद्धि ला रही है पानी आपके लिए, चलिए जी। ये देखो रिद्धि दे रही है पापा को पानी, ये देखिए हमारी बेटियां हो गई हैं बड़ी। ये देखो पिटारा बेटा, बड़ी दूर से लाया हूँ ये बेटा, माय गॉड थैंक यू बेटे। ये देखो हमारी रिद्धि ने पापा को दे दिया है पानी ठंडा ठंडा, और ये देखो हमेशा की तरह आपके लिए थाली सजाई गई है, स्माइली पापा, स्माइली पापा, स्माइली पापा। अब रिद्धि सिद्धि ने दो दिन में जो सारे काम किए हैं वो सब अपने पापा को दिखा देंगी। रिद्धि ये देखो सिद्धि ले आई है अपना बैग, और सिद्धि दिखाएगी होमवर्क, सब कुछ दिखाएगी। बेटे पापा को बैठने तो दो, पापा इधर ही रहेंगे, अब बैठने दो पापा को। गाइस मैं कह रही हूँ कि बेटियों का सुख बहुत होता है, कोई चीज बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि मैं नहीं कह पाती, मेरी बेटियां कर देती है मेरा काम। तो जी हमने स्वामी जी से लखनऊ से मंगवाई थी लखनवी कुर्तियां, यानी चिकनकारी कुर्तियां, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने बोला अगर आपको साइज नहीं पता तो आप फैब्रिक ले आना, हम तीनों माँ बेटी ट्विनिंग करेंगे जी। तो जी अच्छा देखता हूँ जी, देखता हूँ ले आऊंगा। तो जी वीडियो में वीडियो बनाई भी है, ये भी नहीं बोल सकते हैं कि जी मैं गया नहीं या मुझे मिली नहीं, ये तो एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जी अब सबूत है हमारे पास पूरा वीडियो में जी इन्होंने दिखाया है। और जी अब मैंने अपनी बेटियों को लगा दी, मैंने कहा वहाँ से कुछ नहीं लेके आओ तो अब खर्ची निकलवाओ पापा। माँ बेटियाँ जो है ना, माँ बेटियाँ यार गलत बात है यार, ये माँ बेटियाँ जी इन्होंने मुझे मेरा खून चूस चूस के मुझे देखो कितना कमजोर कर दिया, देख लिया जी आपने, ये माँ सिखाती है अपनी दोनों बेटियों को। नहीं नहीं आप सिखाने की जरूरत नहीं, मेरी बेटी ऑलरेडी ट्रेंड है। तो जी अब हमें आप लेके भी नहीं गए, देखो अब हम अच्छे बच्चों की तरह रुक भी गए घर में, और हमारे लिए कुछ लेके भी नहीं आई, अकेले पे भारी ठीक है, अब हमारे लिए कुछ लेके भी नहीं आए। तो आप जल्दी से रिद्धि सिद्धि अपनी पॉकेट मनी निकलवा लो, और मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, मेरी भी निकलवा लेना, पॉकेट मनी दे दूंगा मैं ठीक है, तीनों तीनों की तीनों पॉकेट मनी। देखो जी पॉकेट मनी श्रद्धा से, चिकन चिकन वाली कुर्ते के पैसे थोड़ा पीछे पीछे करके निकाल, कुर्ते के पैसे दे दो, चलो और मैं तो सबसे बड़ी हूँ तो मुझे तो सबसे बड़ा नोट चाहिए। ये ला, ये क्या है, अरे 50 देता रहा हूँ, 50 रुपए में कौन सी कुर्ती आ रही है, 50 एक को दे रहा हूँ, 150 दे रहा हूँ, 50 से तीनों लोन मुंह बंद करो अपना, चलो सुनो रिद्धि, रिद्धि सुनो
बेटे 50 रुपए बढ़ा के पापा को और उल्टा दे दो। ये ले बेटे 50। खुशबू लो, खुशबू खुशबू करके दे दो। चलो जी चलो, इससे हमारा कुछ नहीं होने वाले, कपड़े कुपड़े कुछ नहीं आने हमारे बेटे, वापस करो पापा को बोलो। अच्छा तो आप लोग चली लेते, पापा को कहो गुलाबी पत्ती निकालते, गुलाबी पत्ती, गुलाबी पत्ती नहीं है भैया, गुलाबी गुलाबी मेरे गाल है देख लो। पापा से बोलो गुलाबी चाहिए, गुलाबी कलर का, पिंक कलर का नोट ले, पिंक कलर का बेटा। नहीं 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 पिंक कलर कर दे, पिंक कलर कर देता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। चलो जी, अब वैसे भी वीडियो हो गई बहुत ही ज्यादा लंबी, पता है पिंक कलर 2000 का नोट होता है। मैं इनसे अकेले में जरा बात करता हूँ, आपको पता नहीं मैं इनसे कैसे निपटता हूँ। गाइस हम भी निकलवा के छोड़ेंगे और अब आपको जल्दी जल्दी शॉपिंग पिंक पिंक में फायदा है। चलिए जी अब हम कर लेते हैं थोड़ा सौदा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आज है हमारे स्वामी जी घर आए हैं। घर आए हैं, यार व्लॉग कम देगी थोड़ी, जो मर्जी बोलती रहोगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना जी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।